नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्योकृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अस्तर वाले कमीज की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें नाप जानना होगा। यहाँ पे जो नाप है हमारा 42.5 इंच लेंथ होगी तैयार। ब्रेस्ट का नाप होगा हमारा 42। 3 इंच की लूजिंग देने के बाद हमारा 45 आ जाता है। तो हम फ्रंट पूरा नापते हैं, फ्रंट वाला हिस्सा, तो हमारा आएगा 22.5। इसी तरीके से वेस्ट होगी, वेस्ट जैसे 39 है, 3 इंच प्लस करेंगे तो 42 होगा और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 21। हिप में 2 इंच की लूजिंग दी जाती है तो हिप है हमारी 47। 2 इंच प्लस करने के बाद हमारा 49 आ जाता है और जो इसका हाफ हिस्सा आएगा 24.5 आएगा। नेक लाइन होगी हमारी फ्रंट की होगी 7.5, बैक की होगी 7.5। स्लीव्स यहाँ पे 18 होगी और आगे की जो ओपनिंग होती है गोलाई वो होगी 10.5। तो इस नाप के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ पे मेन देखना है जो हमारे पास फैब्रिक है ये कौन सा है और इसकी कैसे कटिंग करते हैं। ये हमने लिया है जॉर्जेट वाला पीस। जॉर्जेट में से हम कपड़े कटिंग करेंगे और ये वर्क वाला पीस है। गला बना हुआ है, नीचे घेरा बना हुआ है। सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है घेर हमारा कितना है। कई बार क्या होता है हम गलती कर बैठते हैं, घेर में जो कढ़ाई होती है वो कम होती है और उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कटिंग कर पाते तो बाहर का हिस्सा प्लेन आ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारी हिप यहाँ पे 24.5 इंच है तो यहाँ पे भी ये घेर पूरा है तो ये स्ट्रेट में बनेगा तो बिल्कुल ठीक आएगा। अब आ जाते हैं लेंथ के ऊपर। लेंथ भी दोस्तों हमें देखनी होती है। लेंथ कई बार वर्क के ऊपर नीचे से कम नहीं कर पाते। जैसे हमारी 42 इंच है तो ये 43 आ रही है, 43 भी हमारी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 43 तक भी चल जाएगी। अब हमने अस्तर की कटिंग सबसे पहले करनी होती है। तो ये हमने अस्तर सेट किया हुआ है, दोनों पीस इकट्ठे कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक का साथ ही इकट्ठे कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड हमारी बैक साइड वाला फैब्रिक है और ऊपर हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है फ्रंट के लिए और इनको दोनों को मिलाते हुए अच्छे से सेट किया हुआ है। अस्तर बिछाते टाइम आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है इस साइड से जो मेरे वाली साइड होगी इसमें दोनों हिस्से बंद होते हैं और जो हमारी अपोजिट साइड होती है इसमें दोनों हिस्से ओपन होते हैं। इस तरीके से कन्नी जो होगी, कन्नी वाला पॉइंट इस साइड में आएगा। अब इस अस्तर को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं प्रेस से। सबसे पहले दोस्तों जो हम निशान लगाएंगे अस्तर के ऊपर लगाएंगे और इसकी लेंथ जो हम रखेंगे यहाँ पे 42 रखेंगे। हमारी है जैसे 42.5 है तो हमारा अस्तर कम से कम 41 से 42 इंच का कम से कम होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पे आर्म होल का लगाएंगे, ये लगाएंगे हम 7 इंच पे। वेस्ट का लगाएंगे 15 पे और हिप का लगाएंगे 22.5 पे। ये हमने यहाँ पे सभी निशान लगा लिए हैं। इन निशानों को हम सीधा आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये हमारा ब्रेस्ट वाला हो जाता है, ये वेस्ट वाला निशान हो जाता है और ये हमारा हिप वाला निशान हो जाता है। सभी हमने आगे की साइड यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ब्रेस्ट से शुरू करते हैं। जैसे हमारा 22.5 है तो हम यहाँ पे 11.25 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमारा है 21, वेस्ट का नाप होगा तो हम 10.5 पे मार्क करेंगे और ये आ जाता है हमारा हिप वाला 24.5 इंच तो हम 12.25 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब दोस्तों देखने वाली बात क्या होती है, यहाँ पे हमें एक दूसरे से इनको जोड़ने हैं सबसे पहले ऐसे। कई चीजों में क्या होता है अगर हमारी यहाँ पे वेस्ट कम हो जाती है, जैसे सपोज करो हमारी यहाँ पे 20 इंच है तो यहाँ पे गड्ढा ज्यादा पड़ जाएगा, मतलब गहराई इस तरीके से आ जाएगी। तो ये अगर इस तरीके से आपके सामने भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने यहाँ पे फिर प्लेट डाल देनी है। जो मैंने आपको नाप यहाँ पे दिखाया है इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर वेस्ट कम होती है कई बार तो आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लेट जरूर डालनी होती है इस पॉइंट पे, ये ध्यान रखना है। नहीं तो जैसे ये नाप है हमारा, ये बाहर की साइड सिलाई आएगी तो ये सेब हमारी अच्छी आ जाएगी।
लेकिन जो अंदर वाली गहराई वाली सिलाई होती है, कई बार साइज कम होने की वजह से वेस्ट का, तो हमें यहाँ पे गहराई में जो सिलाई लगाते हैं तो उसकी फिटिंग ठीक नहीं आती, तो इसीलिए हमें यहाँ पे प्लेट डालनी होती है। अब दोस्तों ये निशान तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जैसे हमारा घेरे का निशान है, घेरा हमारा 24.5 है क्योंकि हमें स्ट्रेट बनाना है, तो हमने ये भी निशान 24.5 के हिसाब से लगाया है और यहाँ पे एक दूसरे से इसको भी ऐसे जोड़ लेते हैं। सभी निशान हमारे नीचे की बॉडी के कंप्लीट हो चुके हैं, घेरे का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे आर्मोल के ऊपर आना है, आर्मोल का निशान लगाना है। यहाँ पे दोस्तों जो आर्मोल का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 7 इंच के ऊपर, थोड़ा नजदीक से देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे यही चीज हमारी मेन होती है, हम आर्मोल कितना रखते हैं और शोल्डर कितना रखते हैं। तो ये हमने जो शोल्डर का निशान लगाया है वो लगाया है 7 इंच के ऊपर, और यहां से भी हम 7 इंच पे लगाएंगे और यहां से 1/2 इंच अंदर की साइड लेंगे। अंदर वाले निशान से शोल्डर के निशान को इस तरीके से मिलाएंगे और यहां पे गोलाई देंगे। अब दोस्तों जितना हमें ब्रॉड लेंथ रखना होता है, जैसे हमें 6 इंच रखना है यहां पे, तो हम 3 इंच पे यहां पे मार्क करेंगे और यहां से शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से 1/2 से 1/4 इंच। ये हमारे फ्रंट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं, शोल्डर के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे निशान कंप्लीट होने के बाद इसी जगह हमें बैक साइड के निशान भी कंप्लीट करने हैं। तो बैक साइड का निशान कैसे लगाएंगे, जो हमारा ये शोल्डर से सीधा निशान आता है ये वाला, इससे हम बाहर की साइड लेंगे यहां पे 1/2 इंच और बाहर वाले निशान से शोल्डर को फिर से ऐसे जोड़ेंगे और यहां पे गोलाई देंगे ऐसे। ये हमारा बैक साइड का निशान हो जाता है। अब हमें जो कटिंग करनी है दोस्तों, बैक साइड हमें हमेशा 1/2 इंच बड़ी कटिंग करनी होती है, तो यहां पे हम ऊपर की साइड 1/2 इंच उठा के कटिंग करेंगे इस तरीके से और यहां पे बैक वाले निशान के ऊपर कटिंग करेंगे ऐसे। आगे की साइड हमें मार्जिन रखना होता है, 2 से 2.25 इंच रख ले और इस पॉइंट पे आने के बाद हमारा मार्जिन 1.5 इंच होना चाहिए, जो कि चाक के लिए, चाक फोल्ड करने के लिए होता है। और यहां से हमें सीधी कटिंग करनी है ऐसे। अब हम ये वाला कपड़ा हटा देते हैं और फिर से इसी पॉइंट पे आते हैं। यहां पे हमें नीचे वाला कपड़ा छोड़ देना है, नीचे वाला स्तर छोड़ देना है बैक वाला, और फ्रंट का उठाना है और फ्रंट के ऊपर ही निशान के ऊपर कटिंग करनी है ऐसे। और यहां पे हम इस तरीके से निशानों के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। ये हमारा फ्रंट का जो निशान था उसी के ऊपर हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो दोस्तों ये हमारी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है अस्तर की। अब हमें मेन फैब्रिक पे आना है और उसकी भी कटिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पे फ्रंट हमने अच्छे से सेट कर लिया है और ध्यान रहे जो हम वर्क वाला पीस बिछाते हैं वो सीधी साइड से बिछाते हैं, रॉन्ग साइड जो होती है वो नहीं बिछाते। ऊपर की साइड जो सीधी साइड होती है वही हमें बिछानी चाहिए, क्योंकि ये वर्क जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। अगर हम सीधी साइड से बिछाएंगे तभी इसका सेंटर पॉइंट और अच्छे से इसको सेट कर पाएंगे। अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे जो हमने अस्तर कटिंग किया है ये बिछाना है, तो इसको हम इस साइड में मिलाते हुए ऐसे अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करते हुए और अब हमें कटिंग करनी है अस्तर के साथ साथ।
तरीके से दोस्तों हमने मेन फैब्रिक भी अपना यहाँ पे कटिंग कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हो। अब हमें जैसे हमने फ्रंट कटिंग किया है तो बैक साइड भी सेम इसी तरीके से लेंथ का ध्यान रखते हुए हमें कटिंग करनी है। दोस्तों बैक साइड के लिए भी हमने पहले नीचे मेन फैब्रिक बिछाया है, ऊपर हमने अस्तर यहाँ पे अच्छे से सेट किया है। तरीका सेम होता है कटिंग करने का, यहाँ पे अस्तर के साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने बैक साइड की भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब जो बैक साइड की साइड में से कपड़ा बचता है उसमें से हमें बाजू की कटिंग करनी होती है। बाजू के लिए दोस्तों ये हमारे पास कपड़ा है, ये हमने डबल कर लिया है। अब हम इसमें ऐसे फोल्ड लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड लगाने के बाद जब हम बैक साइड वाले कपड़े में से बचा हुआ जो कपड़ा लेते हैं तो उसमें ज्वाइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट लगाएंगे इस तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे मार्जिन पे और इन निशानों से ज्वाइंट वाला जो भाग होगा वो मिलाएंगे, ऐसे इस तरीके से मिला लेते हैं। अब हमें निशान लगाना होता है, एक निशान तो हम ऊपर की साइड इस तरीके से लगाएंगे कपड़ा सीधा करने के लिए, दूसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 4.25 इंच पे और तीसरा निशान लगाएंगे लेंथ जितनी होती है उससे आधा इंच ज्यादा, जैसे 18 है हमारी तो 18.5 पे लगाएंगे और एक निशान नीचे फोल्ड करने के लिए लगाएंगे। सभी निशानों को आगे की साइड ऐसे बढ़ाएंगे, ये हमारा आर्मोल वाला निशान हो जाता है, इसको भी हम आगे की साइड ऐसे बढ़ाते हैं। अब हमें यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाना है। आर्मोल के निशान का आपने ध्यान रखना है जितना हमारा ब्रेस्ट का नाप होता है, जैसे 42 इंच है ये 42 इंच है तो इसका पहले आपने चौथा भाग निकालना है, तो ये हो जाता है हमारा 10.5 इंच। 10.5 में से आपने 1 इंच माइनस कर देना है तो 9.5 इंच हमें यहाँ पे आर्मोल चाहिएगा। इस तरीके से यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे क्रॉस में इस तरीके से। अगर साइज हल्का होता है तो हम सीधा मार्क कर लेते हैं, लेकिन तरीका यही होता है जितना भी ब्रेस्ट का नाप हो उसका आपने चौथा भाग निकालना है और 1 इंच माइनस कर लेना है। अब हमें यहाँ पे मोरी देखनी है, जैसे हमारी 10.5 इंच है तो हम 5.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे इनको मिलाएंगे एक दूसरे से ऐसे। अब हमें यहाँ पे गोलाई देनी है तो सबसे पहले गोलाई देंगे, इस तरीके से कटिंग करेंगे ऐसे, मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की साइड कटिंग करेंगे और नीचे की साइड नीचे वाले निशान पे कटिंग करेंगे। अब हमें दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, जो जोड़ वाला भाग होता है इसको हल्का सा ऊपर उठाते हुए और नीचे वाले दोनों पीसों में गहराई देनी होती है फ्रंट भाग के लिए, ऐसे हम गहराई दे देते हैं तो ये बाजू भी हमारी कंप्लीट कटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये फ्रंट हो जाता है, नीचे की साइड बैक साइड जो हमने कटिंग करके आपको दिखाई है, और ये बाजू हो जाती है, ये बाजू भी हमने बड़ी आसानी से आपको कटिंग करके दिखाई है। तो पूरी कमीज अस्तर वाली आपको यहाँ पे कटिंग करने का मैंने तरीका बताया है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।